गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह आज आपके लिए लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन। वो बच्चे जो आरके मिशन, सैनिक, मिलिट्री, सिमुरतल्ला, इस तरह की एग्जामिनेशन का, जूनियर कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसके जो है सारे वीडियोज को आप देखें ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर कोई सी प्रकार का परेशानी ना हो। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन जिसे सोल्व करके जो निकालते हैं, सिंगल वैल्यू देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन या इवेल्युएशन, है ना। तो अब चलिए हम सिंप्लीफिकेशन की ओर चलते हैं। तो बचपन से आपको सिखाया जाता है कि सिंप्लीफिकेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो? बॉड मास। क्या बोलते हो जी? बॉड मास, है ना। सिंप्लीफिकेशन बनाने के फॉर्मूला को क्या बोलते हो? बॉड मास। ये हो गया बॉड मास। बॉड मास ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बी। बी बोले तो बी इंडिकेट कर रहा है ब्रैकेट को। किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्रैकेट्स। बी फॉर ब्रैकेट। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ। और डी फॉर होता है डिवाइड। डी फॉर क्या होता है? डिवाइड। और यम फॉर होता है मल्टीप्लाई। यम फॉर मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई। और ए फॉर होता है एडिशन। ए फॉर क्या होता है? एडिशन। और यस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हम ये बात बताने चाह रहे हैं कि ये बॉड मास क्या है। तो बॉड मास जिसे सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा साइन दिखता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट, ऑफ, एसेट्रा एसेट्रा, इस तरह का बहुत सारा साइन दिखता है, है ना। तो इसको सोल्व कैसे करें? तो इसका सोल्व करने का एक प्रॉपर तरीका है और उसी तरीका से सोल्व करेंगे तभी आप सही जवाब की ओर जा पाएंगे, है ना। तो वो क्या सही तरीका है पहले मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो सही तरीका ये है कि पहले ये देखिए वर्किंग ऑर्डर है। क्या है ये? वर्किंग ऑर्डर। सबसे पहले कौन आया जी? बी आया। तो बी फोर क्या होता है? ब्रैकेट, यानी सबसे पहला काम ब्रैकेट का होगा। आप ब्रैकेट देखे होंगे, बहुत सारे ब्रैकेट, जैसे एक्स प्लस बाई इस पे ऐसे रह गया, या एक्स प्लस बाई रह गया और इस पे ऐसा ब्रैकेट रह सकता है, या मान लीजिए एक्स प्लस बाई रह गया और इस पे ऐसा ब्रैकेट भी रहता है, या एक्स प्लस बाई रह गया इस पे ऐसा ब्रैकेट भी रहता है। यानी सबसे पहला काम किसका होगा? आपको ब्रैकेट का करना होगा, है ना। और भी बहुत सारे ब्रैकेट हैं लेकिन जितना ये यूजेबल ज़्यादा है उस ब्रैकेट के बारे में चर्चा किए हैं। तो ये सबसे पहला काम हम किसको करेंगे? ब्रैकेट का। जब ब्रैकेट का काम डन हो जाएगा, है ना, तो फिर किसका काम करेंगे? ऑफ का। किसका काम करेंगे? ऑफ। तो कहोगे सर ऑफ क्या है? तो ऑफ में काम होता है मल्टीप्लाई के जैसा, लेकिन ये मत सोचना कि जब मल्टीप्लाई करेंगे उसी समय ऑफ का काम करेंगे। ये गलत, तो ये पूरी तरह से क्या होगा? गलत होगा। ऑफ जो है डिवाइड से, ऑफ में काम करते हैं मल्टीप्लाई करने वाला, है ना, लेकिन वो डिवाइड से भी पहले होता है। डिवाइड से भी क्या होता है? पहले होता है ऑफ। और जब ऑफ का काम हो जाएगा तब किसका काम करेंगे? डिवाइड का। ऑफ का काम हो जाएगा तो किसका काम करेंगे? डिवाइड का। जहां जहां डिवाइड दिखेगा एक ही बार के लिए चले जाएंगे। और यम का काम क्या होगा? तो यम मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और जब मल्टीप्लाई का काम होगा तो एडिशन। ऐड करते समय ध्यान दीजिएगा कि प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा और माइनस वाला माइनस के साथ, और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है, बड़ा में छोटा को क्या करना है? घटाना है। वो रूल से आप कर लेंगे। तो यही हो गया बॉड मास। इसी बॉड मास वाली फॉर्मूला से पूरा जो है आपको सिंप्लीफिकेशन बनता है। तो चलिए बॉड मास में आपको एक चीज दिखाइए, ब्रैकेट। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट के बारे में जाने तो ज्यादा अच्छा होगा कि ब्रैकेट कहते किसको है, ब्रैकेट है क्या चीज, और उसके बाद मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उनको कितने टाइप का ब्रैकेट होता है। आप ब्रैकेट का नेम भी बढ़िया से नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो नॉर्मल नेम जानते होंगे, उसका एक एक ब्रैकेट का कितना नाम है तो बारी बारी से मैं बताऊंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहला चीज हम ब्रैकेट के बारे में बतलाते हैं। किसके बारे में बतलाते हैं? ब्रैकेट के बारे में बतलाएंगे। तो ब्रैकेट क्या होता है? तो ब्रैकेट जो होता है जनरली, ऐसे तो बहुत प्रकार का ब्रैकेट होता है लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स हम कितने प्रकार के बताएंगे? जनरली चार प्रकार के बताएंगे। कितने प्रकार के बताएंगे? चार प्रकार के ब्रैकेट्स को आपके बीच हम रखेंगे। चार प्रकार के ब्रैकेट को आपके बीच हम रख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला जो ब्रैकेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। बार बार, या इसी को बोलते हैं लाइन, या इसी को बोलते हैं वेनिकुलम, है ना, वेनिकुलम। वेनिकुलम ब्रैकेट, ये हो गया लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट या वेनिकुलम ब्रैकेट। ये तीनों एक ही चीज का, बार बोलो या लाइन बोलो या वेनिकुलम ब्रैकेट बोलो। ये ब्रैकेट में क्या होता है? जैसे यहाँ पर मान लीजिए दो गो नंबर रहेगा एक्स और वाई, दो या दो से अधिक भी रह सकता है, तो इसके बीच कुछ ऑपरेटिंग रहेगा, तो ऑपरेटिंग साइन प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, और उसके बाद जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी रह सकता है। तो ऊपर में देखिएगा इस तरह का जो ब्रैकेट आपको दिखता है इसी को बोलते हैं बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट या वेनिकुलम ब्रैकेट।
तो सबसे पहला काम इसी का होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट, सबसे पहला काम इसी का होता है, बार ब्रैकेट का ही होता है। दूसरा, तो दूसरा जो है यहाँ पर हम बता देते हैं कि दूसरा ब्रैकेट के बारे में, कि दूसरा ब्रैकेट जिसको बोलते हो आप लोग स्मॉल ब्रैकेट, क्या बोलते हो, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हो, या उसी को राउंड ब्रैकेट बोला जाता है, या उसी को बोला जाता है ऑर्डिनरी, क्या बोला जाता है ऑर्डिनरी ब्रैकेट, ऑर्डिनरी ब्रैकेट, या उसी को बोला जाता है सिंपल ब्रैकेट, है ना। और करते जाइए आप, क्या करते जाइए, और या उसी को बोलते हैं और सिंपल ब्रैकेट भी बोलते हैं ना, या उसी को और क्या बोलते हैं, ये पेरेंट, उसको बोलते हैं पेरेंट थीसिस ब्रैकेट भी बोलते हैं, पी ए आर ई एन टी एच ई एस आई एस, पेरेंथेसिस ब्रैकेट, ये जो है सब ये किसका नाम है, स्मॉल ब्रैकेट का ही नाम है, जिसको आप लोग ऐसे लिखते हो एक्स प्लस वाई की, ऐसा ब्रैकेट जो देते हो राउंड जैसा, वो क्या है, स्मॉल ब्रैकेट का ही नाम है। देखिए स्मॉल ब्रैकेट का एक नाम तो स्मॉल ब्रैकेट खुद है, दूसरा का राउंड ब्रैकेट भी उसको बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, सिंपल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, या पेरेंथेसिस ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपको किसका, ये ब्रैकेट का नाम हो गया, किसका नाम हो गया, स्मॉल ब्रैकेट का इतना नाम है। अब चलिए तीसरा, तो तीसरा जो हम चलेंगे वो है आपका ये, तीसरा जो है आपको कहते हो जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हो, तो उसी का नाम है मिडिल ब्रैकेट, है ना, मिडिल, या इसी को बोल सकते हो कर्ली, क्या बोल सकते हो कर्ली ब्रैकेट, या इसमें फ्लावर ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्लावर ब्रैकेट, इसी को बोलते हैं फ्लावर ब्रैकेट, या फिर आप इसको फ्लावर ब्रैकेट की जगह पे सुपर सरपेंटाइन, क्या बोल सकते हैं सरपेंटाइन, सरपेंटाइन ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका किसका, मिडिल ब्रैकेट का, ये जो ऐसे फ्लावर जैसा नहीं होता है जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हो। तो मिडिल ब्रैकेट का क्या क्या नाम हो गया जी, तो मिडिल ब्रैकेट का नाम हो गया है एगो मिडिल ब्रैकेट, दूसरा का उसको बोल सकते हो कर्ली ब्रैकेट, तीसरा का बोल सकते हो फ्लावर ब्रैकेट, चौथा बोल सकते हो सरपेंटाइन ब्रैकेट, उसके बाद यही सब इसका नाम है किसका, कर्ली ब्रैकेट का, यानी मिडिल ब्रैकेट का। और चौथा जो सबसे लास्ट होगा, तो लास्ट वाला यहाँ पर हम लिख देते हैं, स्पेस नहीं दिख रहा है मेरे को, चलिए इधर लिख देते हैं चौथा ब्रैकेट को। तो चौथा ब्रैकेट जिसको आप लोग बोलते हो बिग ब्रैकेट, क्या बोलते हो बिग ब्रैकेट बोलते हो, बिग ब्रैकेट, या उसी को बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है, या उसी को बोला जाता है रेक्टेंगल ब्रैकेट, कैसा ब्रैकेट, रेक्टेंगल ब्रैकेट उसी को बोला जाता है, या फिर उसी को बोला जाता है बॉक्स ब्रैकेट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बॉक्स ब्रैकेट बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सब जो है ब्रैकेट्स के नाम लिख रहे हैं, ब्रैकेट के क्या लिख रहे हैं नाम, ये सब इतने प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। अब चलिए, तो फिर से सबसे पहला काम होगा किसका, तो सबसे पहला काम होता है ये लाइन ब्रैकेट का, यानी वेनिकुलम ब्रैकेट का सबसे पहला काम होता है, जब इसका काम हो जाएगा तब जा करके किसका काम होगा, स्मॉल ब्रैकेट का, यानी ये दो नंबर में रहेगा, और स्मॉल ब्रैकेट का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब जाके काम होगा किसका, मिडिल ब्रैकेट का, किसका काम होगा जी, मिडिल ब्रैकेट का काम होगा, जब मिडिल ब्रैकेट का काम हो जाएगा तब जाके काम होगा किसका, ये हो गया तीन नंबर में, और फोर्थ नंबर में ये हो गया बिग ब्रैकेट का काम सबसे लास्ट में होगा। ये हो गया आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट के टाइप्स हो गए, ब्रैकेट के नेम हो गए, ये सारे चीज बताए एक बार फिर से। सबसे जो पहला ब्रैकेट होता है जिसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, उसका दूसरा नाम लाइन भी है, वेनिकुलम ब्रैकेट भी है। दूसरा जो होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसका नाम राउंड ब्रैकेट भी होता है, ऑर्डिनरी ब्रैकेट भी होता है, सिंपल ब्रैकेट भी होता है, पेरेंथेसिस ब्रैकेट भी होता है, ये सब किसका, स्मॉल ब्रैकेट का ही नाम है। अब चलिए मिडिल ब्रैकेट, उसका नाम कर्ली ब्रैकेट भी होता है, फूल के जैसा लगता है, है ना, मिडिल ब्रैकेट ऐसे करके फूल जैसा लगता है, तो उसके कारण उसका फ्लावर ब्रैकेट भी नाम होता है, और या उसको हम क्या बोलते हैं सरपेंटाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर जो होता है बिग ब्रैकेट जो होता है, उसको तो बिग ब्रैकेट के नाम से आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उसका और क्या नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट भी नाम होता है, रेक्टेंगल ब्रैकेट नाम होता है, बॉक्स ब्रैकेट नाम होता है, मतलब ये सब जो हो गया आपका ब्रैकेट का नेम। अब चलते हैं थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो वही चीज बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसका काम किया जाता है, तो इसका वर्किंग स्टेप को लिखे हैं कि सिंप्लीफाई बनाने के लिए वर्किंग स्टेप क्या होगा। तो क्या है यहाँ पर, वर्किंग स्टेप टू सोल्व अ सिंप्लीफिकेशन, एक सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने के लिए वर्किंग स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला वर्किंग स्टेप क्या है, वन में डू द वर्क ऑफ ब्रैकेट, किसका काम करिए, ब्रैकेट का काम करिए।
तो ब्रैकेट का काम करिए। तो ब्रैकेट में अभी चार प्रकार का ब्रैकेट से आप लोग को इंट्रोड्यूस कराए थे, है ना। तो ये चारों ब्रैकेट में से पहले यानी डू द वर्क ऑफ ब्रैकेट, तो अब चारों ब्रैकेट में से हो सके एक ही क्वेश्चन में दो ब्रैकेट रहे या तीन प्रकार का ब्रैकेट रहे या चार प्रकार का ही ब्रैकेट आपको दिख जाए, तो आप कैसे बनाओगे, है ना। आप सस्पेंस के, हाँ सर ब्रैकेट का तो काम करना है लेकिन कौन से ब्रैकेट का करें, तो उसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहला काम करना है आपको किसका, बार ब्रैकेट का। किसका, बार ब्रैकेट का। जब बार ब्रैकेट का काम हो जाए तब आपको किसका करना है, स्मॉल ब्रैकेट का। और जब स्मॉल ब्रैकेट का काम हो जाए तब आपको जाके करना है मिडिल ब्रैकेट का। और जब मिडिल ब्रैकेट का काम हो जाए तब आपको जाके काम करना है बिग ब्रैकेट का। किसका काम करना है, बिग ब्रैकेट का। और जब बिग ब्रैकेट का काम हो जाएगा तो यानी ब्रैकेट का काम लगभग समाप्त हो चुका होगा, ब्रैकेट कहीं पे दिखेगा नहीं। जब ब्रैकेट का काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा तब जाकर के काम करेंगे किसका, ऑफ का। किसका करेंगे, ऑफ का। और जब ऑफ का काम हो जाएगा तो फिर किसका काम करेंगे, डिवाइड का। किसका काम करेंगे, डिवाइड का। जब ऑफ का काम हो जाएगा तो डिवाइड का काम करेंगे। और जब डू द वर्क ऑफ मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड का काम हो जाएगा तब जाके करना है किसका काम, मल्टीप्लाई का काम करना है। और जब मल्टीप्लाई का भी काम कर लोगे आप तब जाके आपको करना है एडिशन का काम। और जब एडिशन का हो जाएगा तब फिर आप किसका काम करोगे, सब्ट्रैक्शन का। किसका करोगे जी, सब्ट्रैक्शन का काम करोगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, लेकिन कुछ और बात जो है हमको इम्पोर्टेंट लगता है वो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे क्या होता है ना कि सिंप्लीफिकेशन में आप लोग को एक बहुत बड़ा सस्पेंस आता है, जैसे ये कोई फ्रैक्शन है, ये कोई क्या है, फ्रैक्शन है। इसके न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में क्या है, फ्रैक्शन है। आपको आता है सर इसको क्या करें, तो यहाँ पर देखिए जब ये मेन फ्रैक्शन है, ये वाली जो है क्या है, मेन फ्रैक्शन है, तो ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, यानी ये फाइनली क्या हो गया, ए। और ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आएगा तो नीचे में आके क्या होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ समझ में, अगर चलिए ऐसा नहीं रहता, ऊपर सिंपल रहता ए, और नीचे में एक फ्रैक्शन रहता एक्स अपॉन वाई, तो ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ गया था, तो नीचे का डिनोमिनेटर किधर चल जाता है, ऊपर। तो यहाँ पर अगला लाइन में क्या हो जाएगा, ये एक्स रह जाएगा और ये वाई चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर में पहले से क्या था, ए था और वाई गया, तो वाई जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा हो गया। अगर कहोगे सर ऐसा नहीं, ऐसा भी तो रह सकता है ना, कि आप ये जैसे मेन फ्रैक्शन है, ऊपर में भी कोई फ्रैक्शन है और नीचे में भी कोई क्या है, फ्रैक्शन है। ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी क्या है, फ्रैक्शन है। ऐसा भी तो रह सकता है ना कि ऊपर भी फ्रैक्शन रहे और नीचे भी क्या रहे, फ्रैक्शन। तो ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आएगा और नीचे का डिनोमिनेटर क्या जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पहले न्यूमरेटर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न्यूमरेटर में कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर का न्यूमरेटर ऊपर ही रह जाएगा, नीचे का न्यूमरेटर नीचे ही रह जाएगा। तो ऊपर का न्यूमरेटर क्या है, ए, तो ऊपर ही रह गया। नीचे का न्यूमरेटर क्या है, एक्स, तो नीचे ही रह गया। और ऊपर का डिनोमिनेटर को देखो तो ऊपर का डिनोमिनेटर बी है, वो नीचे आ जाएगा, और नीचे का डिनोमिनेटर किधर है, या बाई है, तो ऊपर चल जाएगा। यानी कि जब कोई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन रहे, जिसको आप लोग कम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, कम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन रहे तो ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर क्या चल जाएगा, ऊपर। यही फंडा से ये क्लियर होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ताकि ये सब चीजों को अगर आप समझ के रखेंगे तो आपको बनाना बहुत ही आसान होगा। दूसरा चीज, आपको कहीं पर मॉडुलस दिख जाता है, मॉड दिख जाता है, जैसे आपको क्या हो गया, आपको मॉड के बारे में नंबर सिस्टम में भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे ये 6 हो गया, है ना, 6 का मॉड 6 होगा। अगर -6 का मॉड रहेगा तब पर भी 6 होगा, 0 का मॉड रहेगा तो 0। यानी पता चला कि मॉड क्या करता है, तो मॉड पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव था तो रिजल्ट पॉजिटिव दिया, निगेटिव था तो उसका भी रिजल्ट क्या दिया, पॉजिटिव, और जीरो का क्या दिया, जीरो दिया। यानी कहने का मतलब है कि मॉड कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, मॉड के अंदर माइनस में भी रहेगा तो बाहर निकल के प्लस में ही होगा, है ना। और जब प्लस में है तो प्लस में है ही है, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अंदर में माइनस है तो बाहर जाके भी क्या होगा, प्लस बन जाएगा, और जब प्लस में रहेगा तो बाहर भी जाके प्लस ही रहेगा। यानी ये इस प्रकार से है, जैसे आटा पीसने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें क्या करते हो आप, गेहूं भिट, है ना, वो डालते हो तो क्या निकलता है, आटा निकलता है। क्या आटा डालोगे तो गेहूं निकलेगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, आटा डालोगे तब पर भी क्या निकलेगा, आटा ही निकलेगा। तो उसी तरह से मॉड उसी तरह का एक मशीन है, जिसमें पॉजिटिव नंबर डालते तो पॉजिटिव भी निकल जाता है, और निगेटिव डालते तब पर भी क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। और इस बात को, और जीरो का मॉड जीरो ही होता है, बिकाओ जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो इन सारे बातों को आप पूरी तरह से ध्यान में रखें, ताकि इन सभी बातों को अगर आप पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं तब आपको सिंप्लीफिकेशन बनाने में बहुत ही आसान महसूस होगा। जब आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पे जाएंगे, आपको इस पर क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, तो आपको बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा, है ना।
ये ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूरा जो है फॉर्मूला बताएंगे, जिसका यूज करके आपको सिंप्लीफिकेशन को बहुत डिफिकल्ट सिंप्लीफिकेशन ही बहुत आसानी तरीके से बन पाए, है ना, उसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला अगले वीडियो में। तो थैंक यू।